बिग बॉस 15 में एंटर होने वाले हैं साहिल श्रॉफ, जो इस समय हमारे साथ है। साहिल फिल्म विंडो में आपका स्वागत है। Thank कैसे you. हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं एकदम ठीक। डरे हुए हैं या किस तरीके की इस समय फीलिंग है? डरना तो साइन करने के पहले होते हैं, साइन करने के बाद डरने का मौका नहीं है। आई एम फीलिंग गुड। अभी ये सब क्वेश्चंस आंसर्स क्या करना है वहां जाके ये वो सब करके, नाउ आई जस्ट वांट टू गो इनसाइड, जो होने वाला होगा। हाँ, उसकी एक्साइटमेंट है। तो कुछ तैयारी के साथ जा रहे हैं, कितने बिग बॉस सीजन देखे? मेरी तैयारी अलग स्टाइल की है। मेरी तैयारी है एक अनप्रिडिक्टेबिलिटी और अपना अपने आप को समझना और अपने आप को शांत रखना या अपने आप को दूसरे स्पेक्ट्रम, तो मैं उस पे काम कर रहा हूँ। बिग बॉस जो होने वाला है वहां पे वो अलग बिग बॉस भी हो सकता है। अभी देखिए ना, वो प्रोमोज भी बता रहे बहुत अलग होने वाला है, बहुत कड़क होने वाला है, तो जंगल का फील है, आई लाइक जंगल। तो मैं कुछ प्रेपरेशन में प्रीवियस बिग बॉसेस को देखूंगा तो वो मेरे मेरे पर्सनालिटी को अडल्ट्रेट करेगा, तो आई एम गोइंग विद क्लियर माइंड। यहाँ जंगल में मंगल नहीं है, लेकिन यहाँ जंगल में संकट है। अरे लाइफ में भी संकट है, बॉम्बे में कहाँ कम संकट है। तो मैं अगर हम बॉम्बे में रह पाएंगे तो कहाँ भी रह पाते हैं, वो क्या लाइन है, इफ यू कैन ड्राइव इन बॉम्बे यू कैन ड्राइव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, ऐसा ही है। तो आई थिंक चैलेंजेस, मेरी लाइफ हमेशा चैलेंजेस पे चली है, तो जो हम एक हफ्ते में करेंगे हम एक दिन में करेंगे चैलेंजेस यहाँ पे लाइफ की। तो बिग बॉस करने का कोई स्पेशल रीजन? चैलेंज मैं अपने आप को चैलेंज करना चाहता हूँ, और मैं ये शो जो है ना वो बहुत 6 बार हो गए आई हैव बीन क्वेश्चन्ड कि ये शो करना है या नहीं करना है, एंड दिस टाइम मैंने एक्चुअली 100% फोकस डाला इस शो पे, एंड आई ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या डायनामिक्स है। और जब उन्होंने मुझे समझाया कि वी एक्चुअली वॉन्ट यू टू बी योर सेल्फ, यू नो, एंड उसमें जो स्पेक्ट्रम आएगा आपके इमोशंस के या आपके बिहेवियर्स के, तो व्हेन दे एक्सप्लेन इट टू मी अ करेक्ट वे एंड हाउ जो टास्क है वो जो स्टिमुलेट करेगी मेरे कैरेक्टर को या जो मैं हूँ, देन अकॉर्डिंग टू दैट आई अग्रीड टू द शो, बिकॉज आई थॉट के चलो अभी यू नो इट्स गुड टू एक्सप्रेस हु यू आर इंस्टेड ऑफ बीइंग क्वाइट। आप बॉलीवुड में नए नहीं हैं, आपने फिल्में भी की हैं, तो टीवी और एकदम टीवी में ऐसा शो जो आपका रियल ही सबको दिखा दे, तो थोड़ा सा पहले हेसिटेट थे, शायद इसलिए 5 बार मना किया होगा पहले। क्योंकि मैं बहुत प्राइवेट था, मैं बहुत ही मैं अपना काम करता था, मैं घर जाके भी ट्रैवल करता था। उस टाइम पे इंस्टाग्राम था नहीं ना, अभी कौन प्राइवेट है, ऐसा नहीं कि हर सेलिब्रिटी जो इंस्टाग्राम पे मैं प्राइवेट हूँ, मैं इंस्टाग्राम पे ज्यादा हूँ नहीं। तो ऐसे हमारी लाइफ प्राइवेट वैसी है ही नहीं। अभी आप हम बात कर रहे हैं, मेरा फोन सुन रहा है और फिर अमेजोन पे ये आ रहा है, कहाँ है प्राइवेसी हमारे पास। तो शो लाइक दिस, even if it exposes who you are, unless you are not okay, आप अपने साथ खुश नहीं है, I am okay with who I am, so I am okay with people see me, okay. And television के जो following है, और television, nothing bigger than Big Boss, I believe. Yes, of course, it's Asia's number one reality show. It's very, very big. So, तो साहिल आपने बोला कि आप इतना social media पे active नहीं है, लेकिन Big Boss का buzz जो है, जो social media पर रहता है, वो बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आपको, आप कितने तैयार हैं? हम तैयार है, मेरा टीम है, हम संभाल रहे हैं उसको, बट एज अ पर्सनालिटी आई वाज नेवर मच ऑन यू नो ऑन इंस्टाग्राम एंड स्टफ लाइक दैट, तो वो प्राइवेसी है। पर ये है मेरे लिए बहुत बड़ा प्लंज है, टू बी ऑनेस्ट, मैं अपने आप से फाइट कर रहा हूँ ये प्लंज लेने के लिए, विच मीन्स के इट्स अ चैलेंज फॉर मी, मैं बाहर का सोच नहीं रहा हूँ, जो इट इज इनफ फॉर मी अ चैलेंज टू डू दिस। तौर पर लिया है आपने इसे। हाँ, तो लाइफ में क्या एक्सपीरियंस तो है, तो आई वॉन्ट टू एक्सपीरियंस समथिंग लाइक दिस, वेदर आई फेल आई एम ओके विद इट, वेदर आई मेक अ फूल आई एम ओके विद, आई विन आल्सो आई एम ओके, मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, आई जस्ट वॉन्ट टू टेक दैट प्लंज, बिकॉज ऑब्वियसली अंदर कुछ फियर है टू फॉर पीपल टू नॉट शो माई सेल्फ, एंड आई वॉन्ट टू ब्रेक दैट फियर। तो किससे मिलने के लिए आप सबसे ज्यादा बेताब है फिर?
जो 15 नेम्स जो रिलीज हुए हैं, क्या बोल रहे हैं आप क्वेश्चन? नहीं, आपने हाँ बताया ना सलमान खान। हाँ तो मैं सलमान खान से मिलना चाहता हूँ, बिकॉज आई थिंक सलमान खान हैज बिकम एन इनक्रेडिबल होस्ट, यू नो. यस वो जो बैड बैड एस सलमान खान जो था, अभी वो थोड़ा नरम हो गया है, वो थोड़ा सॉफ्ट हो गया है. आई लाइक दैट साइड. आई लाइक अ मैन. आई एम ऑल्सो लर्निंग अबाउट माई सेल्फ, स्ट्रॉन्ग ऑन द एक्सटर्नल एंड देन अंदर से सॉफ्ट, एंड आई लाइक दैट. तो मैं आई वॉन्ट टू सी दैट साइड ऑफ सलमान खान, तो मैं इसलिए मिलना चाहता हूँ उनसे. तो आई एम यू श्योर कॉल आपकी सलमान से पहली मीटिंग तो नहीं होगी। नहीं है, नहीं है, बट यू नो सलमान मीट्स 50,000 पीपल एवरी वीक. सो आई मेट हिम, बहुत टाइम हो गया है. तो वी मेट एट अ शो. आई नो आई हैव सम कॉमन फ्रेंड्स जो उनको जानते हैं. बट थिंग्स आई हियर अबाउट हिम एंड द थिंग्स वी हियर इन द मीडिया आर वेरी ऑपोजिट. सो आई लाइक द अदर साइड ऑफ हिम. तो ओके मैं देखना चाहता हूँ कि वो बाहर आएगा या नहीं आएगा. तो इट बी इंटरेस्टिंग. साहिल, आपने अगर बिग बॉस कभी भी देखा, आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कभी कोई कौन रहा है? आई हैव टू सपोर्ट सिद्धार्थ शुक्ला ना. वो मेरे फिटर्निटी से था. आई हैव नोन हिम नॉट वेरी वेल, एंड इट्स सैड व्हाट हैपेंड, बट आई कीप सेइंग दैट वो एक ही बंदा है जो मैं जानता हूँ, जो ही वॉज हिमसेल्फ इन रियालिटी. एंड आई थिंक दैट वो बिग बॉस पे भी वही था. इट वॉज जस्ट एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ हु ही इज, जो हम यू नो हम रियालिटी और जो सामने आ रहा है वो अलग. तो बट उसका बहुत कोरिलेशन था व्हाट ही वाज एंड व्हाट ही शोड. सो आई लाइक दैट. एंड आई थिंक कि हम मैं भी ऐसे ही, मैं भी आई कम फ्रॉम दैट सेम थिंकिंग वे ऑथेंटिसिटी जो है. तो सिद्धार्थ में बहुत ऑथेंटिसिटी था, एंड आई वैल्यू दैट अ लॉट. जब भी बिग बॉस में जाते हैं तो कुछ हेसिटेशंस होती हैं किसी चीज को लेकर, और किसी चीज को लेकर हम बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं। तो आपकी खुद की कुछ ऐसी लिमिटेशंस है जिसको लेकर आपको खुद को डर लग रहा है? क्योंकि वहां पे अगर लग्जरी बजट की भी बात की जाए तो ऐसा नहीं कि हर चीज मिल जाती है वहां पे, सोने का, उठने का, खाने पीने के लिए भी लिमिटेड। तो कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि ये चीज आपको थोड़ा परेशान कर रही थी? यार अगर आपको परेशान कुछ चीज कर रही है, तो आपको अपने आप को बदलना है. तो ओके मैं, हाँ, मैं अपने आप को बदलना है. तो ये बहुत ही अच्छा मौका है कि आई विल फाइंड आउट मोर अबाउट माई सेल्फ. पर लेकिन लाइफ में मैंने बहुत सारी चीज देखी है. आई एम नॉट जस्ट कम फ्रॉम, आई जस्ट डोंट बिकम दिस पर्सन. आई हैव गॉन थ्रू लॉट. इसलिए मैं प्राइवेट रहा हूँ, बिकॉज लाइफ इतनी डिफिकल्ट थी कि किसी को बोलने का. सो व्हाट आई रियलाइज इज माई फियर तो है नहीं किसी बात की. I just hope everyone is hygienic. That's all. And taking care of themselves. Because उसमें problem होगी otherwise. बस. Otherwise I'm okay with everything. चलिए साहिल, हमसे Thank बात करने के लिए शुक्रिया। जाते you, जाते अपने हीना. फैंस को कोई मैसेज? फैंस को कहना चाहता हूँ कि प्लीज मुझे फॉलो कीजिए बिग बॉस में. मैं ये मेरे लिए एक बहुत ही बिग डाइव है, बहुत बड़ी एक्सपीरियंस है. तो आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरे मेरे पर्सनैलिटीज को सपोर्ट कीजिए. मैं एक चीज तो गारंटी करूंगा कि आई विल बी माई सेल्फ, एंड वेर एवर दैट टेक्स मी फॉर गुड और बैड, आई होप आप मेरे जर्नी पे रहेंगे एंड फॉलो अस एंड वोट. थैंक यू. थैंक थैंक यू, यू. ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच थैंक्स, हीना. बाय. नाइस टॉकिंग टू यू, बाय बाय। नाइस.